हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में माँ काली की फेस के ऊपर ऑयल पेस्टल से कलरिंग करना सिखाऊंगा। और गाइस, इस ड्राइंग को करने के लिए यहाँ पर मैं मीडियम सरफेस वाला पेपर को यूज कर रहा हूँ। और आप लोग स्मूथ पेपर को यूज मत कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगी। और इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो भी इस ड्राइंग को करना चाहते हो तो वो पार्ट जरूर से देख लेना। मैं वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो गाइस, रेफरेंस फोटो में फेस के ऊपर जहाँ पर भी डार्क एरियाज दिख रहे हैं, वहाँ पर मैं इस कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे ड्रॉ करना, जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ऑयल पेस्टल में मेन चीज होता है पेस्टल के ऊपर प्रेशर को मेंटेन करके रखना। जहां पर भी आप लोगों को ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहा है, वहां पर आप लोग ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो। और जहां पर लाइट एरियाज दिख रहा है, वहां पर हल्के हाथ से करना। अगर आप भी मेरी तरह पहले डार्क कलर को पहले यूज कर रहे हो, तो जहां पर भी एकदम से लाइट एरियाज दिख रहा है आप लोगों को, वहां पर छोड़ के शेडिंग करना। और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए मैं इस कलर से पहले फुल फेस के ऊपर शेडिंग करूंगा। और मेन चीज शेडिंग ही होता है गाइस, आप लोग जितनी अच्छी तरीके से शेडिंग करोगे उतना ही अच्छा आप लोगों को आउटपुट रिजल्ट मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में करना क्या है। तो बस गए, फेस के ऊपर इस कलर से इतना ही शेडिंग करना था। नेक्स्ट, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत लाइट एरियाज दिख रहा है, वहाँ पर मैं लाइट ब्लू कलर को यूज़ कर रहा हूँ। और एकदम से जहाँ पर भी लाइट एरियाज दिख रहा है, वहाँ पर छोड़ के ड्रॉ करना इस बार भी। तो आप लोग देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ओके, अभी जहाँ पर भी एकदम लाइट एरियाज था, वहाँ पर मैं व्हाइट कलर को यूज़ करूँगा। और जहाँ पर रेड एरियाज है, उस जगह को छोड़ के शेडिंग करूँगा। और बाकी जहाँ पर भी रेड एरियाज है, वहाँ पर मैं सिंपली रेड कलर से शेडिंग करूँगा। और जहाँ पर भी रेड एरियाज में आप लोगों को थोड़ा बहुत हाइलाइटेड एरियाज दिख रहा है, वहाँ पर आप लोगों को छोड़ के शेडिंग करना है। ओके, रेड कलर से शेडिंग करने के बाद रेफरेंस फोटो में आप लोग ध्यान से देखो, वो जो रेड कलर है वो एकदम से रेड नहीं है। तो मैं इस कलर को यूज़ कर रहा हूँ, पहले जिस तरह से मैं रेड कलर से शेडिंग किया था उसी तरह से रेड के ऊपर इस कलर से शेडिंग करूंगा। ध्यान में रखना हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के। उससे क्या होगा, जो अभी मैं दो कलर को यूज़ किया उसको ब्लेंडिंग करने की टाइम मिक्सचर होकर जो मुझे कलर चाहिए था वो मिल जाएगी। ओके, बाकी जो भी मैं हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के शेडिंग किया था, वहाँ पर मैं सिंपली व्हाइट को अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक शेडिंग करने के बाद मैं इसको फुल एक बार ब्लेंडिंग कर लूँगा। मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पोर्ट्रेट ड्राइंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं आप लोगों को कॉटन बर्ड का ही रिकमेंड करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए। बाकी जो सीनरी वगैरह ड्राइंग्स है, वहाँ पर आप लोग टिश्यू पेपर नहीं तो कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, उससे अच्छा रिजल्ट आएगी। और पोर्ट्रेट ड्राइंग में आप लोग कॉटन बर्ड का ही यूज़ करना। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, मैं एकदम से ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक पार्ट को पकड़ के ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। बहुत सारे लोग ना एकदम से ब्लेंडिंग कर देते हैं, उससे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है गाइज। तो एक पार्ट को पहले पकड़ो और उसको ब्लेंडिंग करो, देन नेक्स्ट पार्ट में जाओ, देन उसको ब्लेंडिंग करो। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ आप लोग समझ पाओगे। और ब्लेंडिंग करने से पहले शेडिंग पार्ट में अच्छे से कलर से भर देना गाइस। आप लोग चाहे तो व्हाइट से भी वो एरियाज को कवर कर सकते हो। और जब देखना कलर से अच्छी तरीके से एरियाज कवर हो चुकी है, तब ब्लेंडिंग करना, नहीं तो गाइस ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। आप लोग जितना अच्छी तरीके से शेडिंग पार्ट में कलर्स को भरोगे उतना ही अच्छा ब्लेंडिंग होगी। जो लोग कॉमेंट्स पे बोलता है ना ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होता है, तो वही रीज़न होता है आप लोगों का ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होने की। तो आप लोग पहले अच्छी तरीके से शेडिंग करके कलर्स को भरो, हर एक एरियाज को कलर्स से अच्छी तरीके से कवर करो, देन उसको ब्लेंडिंग करो। और जब अलग कलर की ऊपर ब्लेंडिंग करोगे तब एक नया कॉटन बर्ड लेना, नहीं तो रेड एरियाज में जब ब्लेंडिंग करोगे तो वहाँ पर कुछ अलग ही कलर्स बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ्रेश कॉटन बर्ड से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ।
ओके अभी मैं बूफ कलर को यूज कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो कोई भी डीप येलो कलर को भी यूज कर सकते हो आईज में बेस कलर को देने के लिए, एंड देन उसको कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर लेना। नेक्स्ट जहाँ पर भी मुझे लग रहा है हाँ यहाँ पर थोड़ा और लाइट होना चाहिए था, वहाँ पर मैं व्हाइट कलर को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली स्टेप में रिफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके कलर करेक्शन करना है। एंड इसको भी मैं पहले ब्लेंड कर लूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा। ब्लेंडिंग करने के बाद जहाँ पर भी आप लोगों को एकदम से डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर ब्लैक से सिंपली शेडिंग कर लेना। ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई मत करना, हल्के हाथ से ही करना। मैं किस तरह से कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग समझ पाओगे। ओके नेक्स्ट जहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा रेड दिख रहा है स्किन के ऊपर, वहाँ पर रेड से हल्के हाथ से अच्छी तरीके से शेडिंग कर लेना। ओके अभी फिर से एक बार फुल ड्राइंग को कॉटन बर्ड से पार्ट बाय पार्ट जैसे कि मैं पहले बोला था उस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ओके यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फेस ड्राइंग 90% कंप्लीट हो चुकी है। अभी जस्ट आप लोगों को डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कैमल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कोई भी डार्क ग्रेफाइट पेंसिल लाइक 8B 10B 12B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कलर पेंसिल नहीं तो चारकोल पेंसिल नहीं है, तो लोगों के पास अगर चारकोल पेंसिल नहीं तो कलर पेंसिल है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आएगी। ओके अभी जस्ट लास्ट स्टेप में जहाँ पर भी व्हाइट एरियाज है वहाँ पर डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पर मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप लोग करेक्शन पेन नहीं तो जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो।
ओके, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइस जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, कुछ सीखने को मिली है, तो एक लाइक ज़रूर से ठोकना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।